वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन इन ऑनलाइन मैथ्स क्लास। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पीडीएफ डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स में कंटेंट दिया है वो था प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। सो स्टूडेंट्स इन अर्लियर क्लासेस यू हैव टॉट अबाउट द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? Prime number, a number which has only two factors, one and number itself, is called a prime number. For example, 2. 2 केवल 2 से divisible है और किसी से नहीं, तो इसके दो ही factor हैं, 2 और 1. 3 भी 3 से divisible है, इसलिए इसके भी दो ही factor हैं, 3 and 1. इसी तरह से 11. 11 भी 11 से divisible है और किसी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब जो एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं वही फैक्टर होते हैं। तो 11 के भी दो ही फैक्टर हैं, एक तो 11 खुद और एक 1। मैंने गलती से देखो यहाँ पर 9 लिखा था, तो 9 यहाँ पर जो है यानी कि 9 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। व्हाई? बिकॉज 9 हैज़ 3 फैक्टर्स। 9 इज़ डिविजिबल बाई 9 एंड 9 इज़ डिविजिबल 3 ऑल्सो। तो 9 हैज़ 3 फैक्टर्स, 1, 3 and 9, so it is not a prime number, it comes in composite number. Now what is composite number? A number which has more than two factors is called a composite number. For example, 4. 4 के देखो one factor है, होता ही है सबका, one is the factor of every number and number itself. तो 4 के factor 4 divisible by 2 also. तो ये 1, 2 और 4 यानी दो से ज़्यादा factor हो गए तो 4 क्या हुआ? Composite number. इसी तरह से कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे 12 के फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, तो देखो कितने सारे फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर में आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स बनाए हैं रिमार्क्स में। 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर, इट इज़ यूनिक नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर में आता है ना कंपोजिट नंबर में। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स की अगर बात की जाए तो आप क्या बताएंगे? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। इसी तरह से स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछे तो 4। ये देखिए, एक 2 ही ऐसा नंबर है प्राइम नंबर जो कि इवन होता है, बाकी सारी की सारी प्राइम नंबर्स 2 को छोड़ दीजिए, वो सब ऑड होती हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन पे। ये भी हमारे 10th क्लास में इस चैप्टर में बहुत काम आएगा। ए कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज, या कह लीजिए कोई भी नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 140, ये 140 के देखो मैंने डिवाइड दिया, पहले 2 से डिवाइड दिया 70 आया, फिर 2 से डिवाइड दिया 35 आया, फिर 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से दिया। ये प्राइम नंबर्स लेने हमें, तो 5 से 7 टाइम्स गया, फिर 7 से 1 टाइम गया, तो 2 × 2 × 5 × 7, दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। इसी तरह से ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 2 × 2 × 13, ये 416 का है। इसी तरह से 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 7 × 11 × 13। तो इस बेस पर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सीखने की कोशिश करते हैं HCF एंड LCM। जैसे 120 और 150 मैंने लिया, उसमें जो PDF डॉक्यूमेंट था उसमें थोड़ा यहाँ पर रोंग कर दिया था, अब इसको मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। 2 से डिवाइड दिया 60, 2 से डिवाइड दिया 30, 2 से डिवाइड दिया 15, फिर 3 से डिवाइड दिया 5, 5 से डिवाइड दिया 1। सिमिलरली 2 × 3 × 5 × 5, ये देखिए ये 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5 × 5। तो HCF तो कैसे लिया जाता है? जो दोनों में कॉमन होता है, यानी कि लीस्ट पावर ले लीजिए। जैसे 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो आप 2 ले लीजिए HCF में। ये देखिए यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो 1 ही ले लिया। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो लीस्ट पावर कौन सी हुई? 1, तो यहाँ 5 ले लिया 1। तो 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। और LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं, है ना, ग्रेटेस्ट पावर। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है,
और यहाँ केवल टू है, वन है, मतलब टू की पावर वन। तो थ्री लेंगे या वन लेंगे? थ्री लेंगे, ज़्यादा वाला। तो टू की पावर थ्री ले लिया। इसी तरह से थ्री यहाँ भी एक बार था, यहाँ भी एक बार था, तो एक बार ही आ गया। इसी तरह से फाइव यहाँ पे एक बार था, यहाँ पे दो बार था, तो यहाँ दो बार आ गया, यानी ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं एलसीएम में। तो यहाँ आया 8 × 3 × 25, दैट मीन्स 600 इज द एलसीएम ऑफ 120 एंड 150। ऐसे ही थ्री नंबर्स का भी किया जा सकता है, 12, 15 और 21 में। देखो 12 के फैक्टर्स किए मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 3, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 5, 21 का आया 3 × 7। तो HCF तो देखो तीनों में कॉमन आना चाहिए। यहाँ देखो दो इसमें है, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो आएगा ही नहीं, क्योंकि लीस्ट पावर लेनी है तो 2 की पावर 0 है, यहाँ पे है ही नहीं, तो लेंगे ही नहीं। लेकिन 3 यहाँ भी है, देखो एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, तो एक बार आ गया। लेकिन 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे। तो HCF में ओनली 3 हो गया। LCM में देखो हाईएस्ट पावर, जैसे 2 की पावर 2 है यहाँ पे, यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ एक भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 2 की पावर 2 यहाँ ले लेंगे, ज़्यादा बार वाला। यहाँ 3 एक बार, एक बार, एक बार, तो एक बार आ गया। 5 एक बार है, कहीं भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, फिर भी 5 लेंगे। 7 कहीं भी नहीं है, केवल एक बार है, तो भी लेंगे। तो LCM में कुछ भी छूटता नहीं है, ठीक है। तो 7 × 5 = 35 और 35 3 = 105 105 4 = 420, इट इज़ द LCM। तो थ्री नंबर्स का भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं तीनों में देख के। अब एक हमारे पास रिलेशन है, दो नंबर्स में अप्लाई होता है ये। जब दो नंबर्स गिवन हो तो उसका LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन उसके दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे इसको वेरीफाई करेंगे हम, 510 × 92 है, तो यहाँ पर 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 92 के किए, HCF इसका 2 आया, LCM इसका ये आया 23,460। तो देखो HCF मल्टीप्लाई LCM कितना आ रहा है, ये LCM और ये HCF दोनों को मल्टीप्लाई किया 46,920। इसी तरह से इन दोनों नंबर को, गिवन नंबर को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को ही बोलते हैं। तो 510 × 92 46,920। तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको वेरीफाई करना है। अब जैसे मैंने एक प्रॉब्लम भी बताई थी आपको उसमें इससे ही रिलेटेड, जैसे आपके पास ये है, ये देखिए यहाँ पर ये रहा, इसमें यहाँ पर ये HCF निकालना है पहले, तो पहले 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकाल दीजिए, वही मेथड। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और ये आ गया, इसमें HCF आएगा 2 की पावर 2, क्योंकि ये लीस्ट पावर है, ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 ही आएगी। 3 इसमें, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। 101 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। 4 इसका क्या हो गया, HCF। अब वो प्रोडक्ट जो अपन ने रिलेशन बताया था कौन सा, ये रहा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर हमें LCM चाहिए, तो ये HCF है ना अपॉन में चला जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई HCF, इस तरह से। ये देखिए LCM निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF, तो 96 × 404, दीज आर द टू नंबर्स, एंड डिवाइडेड बाय 4, वी आर गेटिंग 9696। 4 को इससे डिवाइड दे दो, 101, और 96 × 101 आएगा 9696। इसी तरह से देखो यहाँ डायरेक्ट HCF दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है, 9 सिर्फ LCM निकालना है। ये एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वही तरीका, LCM निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में HCF का डिवाइड दे दीजिए, 306 × 657 डिवाइडेड बाई 9, इस तरह से ये 22338 है। और कुछ प्रॉब्लम्स भी दी है इसमें मैंने, जो वर्ड प्रॉब्लम है, इन वर्ड प्रॉब्लम को आप समझने की कोशिश करना। इनमें पहले ऐसे समझना है कि किस में HCF चाहिए या किस में LCM चाहिए, इतना सा दिमाग लगाना है, बाकी HCF और LCM के मेथड से होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो जब हमारी स्कूल रीओपन होंगी तब हम इन वाली वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से ले लेंगे। पहले आप समझने की कोशिश करना, आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। थोड़ा कोशिश किया करो और वीडियो को बार बार रिपीटेडली देखा करो, ताकि कोई टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।